दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2020 की सबसे मजबूत टीमों में शामिल दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स टीम के स्टार खिलाड़ी के बारे में, जो कि हमें आईपीएल 2020 की शुरुआती मैचों में नहीं खेलता हुआ दिख सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन हैं और चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 का खिताब जीत जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि आईपीएल 2020 की शुरुआत अभी एक दो महीना बाकी है, लेकिन अभी से बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल 2020 से लगभग बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्टार खिलाड़ी भी आईपीएल 2020 के शुरुआती मैचों में लगभग बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि पृथ्वी शॉ पे साल 2019 के आईपीएल के बाद बैन लग गया था, जिसकी वजह से वो मैचेस नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि बैन खत्म होने के बाद पृथ्वी शॉ का बल्ला बहुत ही शानदार चल रहा था और वो हर टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार खेल दिखा रहे थे। दोस्तों इसी के साथ ही वो टीम इंडिया ए की टीम में शामिल हो गए थे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि टीम इंडिया ए को अभी न्यूजीलैंड के दौरे में जाना है, इसी बात को देखते हुए उनको टीम में रखा गया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को होगी इंजरी, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड दौरे से पूरी तरह बाहर हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी इंडिया में रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें पृथ्वी शॉ भी मुंबई की तरफ से मैचेस खेल रही हैं। इसी बीच मुंबई की तरफ से खेलते हुए उनको रणजी ट्रॉफी के मैच में होगी इंजरी, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड दौरे से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ के शोल्डर में इंजरी हुई है, जिससे पता चला कि वो 6 हफ्ते तक मैचेस नहीं खेल पाएंगे, जिससे कन्फर्म हो चुका कि वो हमें आईपीएल 2020 के शुरुआती मैचों में दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से नहीं खेलते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने साल 2019 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए शानदार ओपनिंग बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है कि वो हमें आईपीएल 2020 की शुरुआती मैचों में नहीं खेलते हुए दिखेंगे। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 में नए ओपनर्स को भी उतार सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स की टीम कौन से नए ओपनर्स को उतार सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।